राजनांदगांव जिला स्तरीय आयुष स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें आयुर्वेद होम्योपैथिक पद्धति एवं नेचुरोथेरेपी के द्वारा मरीजों का उपचार कर निशुल्क दवाइयां दी गई है। आयुष मेले का शुभारंभ नगर निगम की महापौर हेमा देशमुख के मुख्य आतिथ्य में हुआ, जिसमें जिला आयुर्वेद अधिकारी समेत सभी अधिकारी कर्मचारी एवं नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान मेले में आयुर्वेदिक संबंधित औषधि वृक्षों की जानकारी एवं उनके रोपण संरक्षण की भी जानकारी दी गई। स्वास्थ्य मेले में आयुर्वेद एवं होम्योपैथी चिकित्सकों द्वारा सेवाएं दी गई। मौसमी बीमारियों से बचाव एवं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़े का निःशुल्क वितरण भी किया गया। मेले में पंचकर्म एवं औषधि पौधों की प्रदर्शनी लगाकर लोगों को जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट। आज आयुष स्वास्थ्य शिविर का शिविर लगाया गया है, जिसपे लोगों को आयुर्वेद से जोड़ने की प्रयास किया जा रहा है। मैं कहना चाहूँगी कि भारतीय इतिहास बहुत ही खूबसूरत है और कहीं ना कहीं आयुर्वेद से हम सारे जुड़े हुए हैं। आज भौतिक वस्तुओं की ओर भागते हुए हम कहीं ना कहीं आयुर्वेद को छोड़ चुके हैं और हमारे आसपास ही आयुर्वेद विद्यमान है, हमारे गार्डन में विद्यमान है, हमारे खेतों में है, लेकिन कहीं ना कहीं हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं और खान पान अपना रहे हैं, जिसका फल हो रहा है कि आज बीमारियां हमारे प्यारी कैंसर जैसी चीज़ें आ रही है। आप सबसे निवेदन है, आयुर्वेद से जुड़िए और आयुष से जुड़ने के लिए अपने आसपास के घर के किचन के गार्डन से जो चीज़ें वो निकालिए, उसका उपयोग कीजिए, निश्चित रूप से हर व्यक्ति स्वस्थ होगा और उसको आगे बड़ी बीमारियां नहीं होगी। इन सब से बचने के लिए आयुर्वेद से जुड़ने की ज़रूरत है। आयुर्वेद काढ़ा है आपके आसपास की, जैसे मुनगा की भाजियां है, मुनगा की फल्ली है, अलसी है, यही चीज़ें जिसको हम छोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं मार्केट में मॉल में वो बहुत अधिक कीमत में बिक रहा है, लेकिन जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए हैं हमारे आयुर्वेदिक से लोगों को जोड़ रहे हैं और चीज़ें मार्केट में आ रही हैं। आयुष के अधिकारियों द्वारा शिविर लगाया जा रहा है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाह रही हूँ कि आप लोगों के प्रयास से जनता इससे जुड़ रही है और निश्चित रूप से इसका लाभ हर लोगों को मिलेगा। आयुष विभाग द्वारा आज जिला स्तरीय निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य मेला का आयोजन राजनांदगांव में किया गया है, जिसमें आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी तीनों चिकित्सा पद्धतियों से उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। शासन का ध्येय है कि अधिक से अधिक जनता सभी चिकित्सा पद्धतियों से लाभान्वित हो, ऐसे शासन की भावना को ध्यान में रखते हुए यह तीनों चिकित्सा पद्धति से उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। कितने प्रकार के रोगों का इलाज करवाने के लिए? यह सभी प्रकार के रोगों का इलाज किया जा रहा है, इसमें विशेषज्ञ चिकित्सक भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बाहर से भी कोई है क्या? हाँ, बाहर से ही ज़्यादातर चिकित्सक आए हैं। मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, जिला आयुर्वेद अधिकारी राजनांदगांव। आज मेला का आयोजन किया गया, आयुर्वेदिक देखा जा रहा है, लोग आयुर्वेदिक में जा कम अपनाते हैं, उतना जो कारगर नहीं होता है, लोगों की थिंकिंग है जी, बाकी उसमें ज़्यादा जा रहा है जी, ऐसा क्या कारण है जी? देखिए, हमारा जो आयुर्वेद है ये शुरू से कहता आ रहा है कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण आतुर स्वीकार पस्मनम चा, मतलब सबसे पहले हम स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करें, बाद में रोगी हुआ तो ठीक करें उसको, वो अलग बात है, लेकिन पहला हमारा उद्देश्य है कि हम स्वस्थ व्यक्ति को ठीक करें। जैसे किसी को अगर शुगर हो गया तो नॉर्मली क्या होता है कि पहले बच्ची दवाई खाने गया, वो तुरंत उसको मेटफॉर्मिन दे दिया और खाना चालू कर दिया, पहले एक गोली उसके बाद ग्लिमिप्राइड, टेलमी, मतलब गोलियाँ बदलती रहती हैं, एक गोली से दो गोली, दो गोली से तीन गोली, तीन गोली से चार गोली। हमारे पास पहले यदि आयुर्वेद में आता है वो, हम कोशिश करते हैं कि इसको शुगर हुआ क्यों है, अगर उसकी बीटा सेल्स कम हुई है तो हम बीटा सेल्स को रीजनरेट करते हैं, अगर उसको इंसुलिन का रेजिस्टेंट हुआ है तो हम रेजिस्टेंस ही करते हैं, मतलब अगर हमारे पास वो पेशेंट आ जाता है पहले समय से तो हम शुगर के रोगी को कोशिश करते हैं कि उसको पुरानी स्थिति में लेके आएँ, इसको हमारे आयुर्वेद में कहते हैं प्रकृति स्थापन, मतलब जैसे पहले थे आप, हम वैसा करने की कोशिश करते हैं। इसी कारण से जो आयुर्वेद है चिकित्सा निर्मूल चिकित्सा करता है रोगी की और बीमारी को जड़ से दूर करने का प्रयास करता है, इसी कारण समय लगता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आपको यदि ठीक होना है, यदि शुगर होने में आपको 10 साल लगा है तो ठीक होने के कम से कम एक महीना तो, एक साल तो दीजिए आप, एक साल दो साल में तो वापस आ पाएंगे अपनी जगह में आप। गाड़ी को भी अगर आप आगे बढ़ाते हैं लेकिन रिवर्स गियर में जब लेके जाते हैं तो रिवर्स गियर में तो टाइम लगता है ना, वो स्पीड तो नहीं रहती। लोगों के समझना चाहिए कि हम मूल रूप से अगर हम ठीक होना चाहते हैं, बीमारी को अपने जड़ से ठीक करना चाहते हैं, हमें आयुर्वेद को अपनाना चाहिए जी। एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में क्या अंतर है? मूल अंतर यही है कि हम लक्षणों की चिकित्सा नहीं करते,
कि अगर कोई लक्षण दिखा शुगर बढ़ गया है, हम शुगर को कम करने की चिकित्सा नहीं करते, हम उसको जड़ से ठीक करने की कोशिश करते हैं कि उसके पीछे कारण क्या था। उसके पीछे अगर इंसुलिन का रेजिस्टेंस है तो हम रेजिस्टेंस ठीक करेंगे, अगर इंसुलिन की एक्टिविटी कम हुई तो एक्टिविटी को ठीक करेंगे। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम जड़ से ठीक करें उसको। जैसे घुटने का दर्द है, अगर घुटने का दर्द किस कारण से हुआ है, अगर कार्टिलेज घिस गए हैं तो हम कार्टिलेज को रिजनरेट करें, ना कि उसको दर्द की दवाई दे करके उसको बीमारी को हमेशा के लिए बनाए रखें। शुभ नाम बताएं। मैं डॉक्टर अमरनाथ शुक्ला, मैं विशेषज्ञ चिकित्सक हूँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घूमका, वहाँ पर एक आयुर्वेदिक विंग है, उसमें हूँ मैं।